हाँ तो फ्रेंड, जैसा आप अभी देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यहाँ पर मेरे पास एक सब्सक्राइबर का ईमेल आया हुआ है। इनका नाम है मार्टिना और इन्होंने रिक्वेस्ट की है एक एनवलप बनाने के लिए, एनवलप की डाइकट बनाने के लिए। और इन्होंने उसका साइज़ भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उनको साइज़ चाहिए 7.5 बाई 10 इंचेस। और यहाँ पर इन्होंने एक अटैचमेंट भी भेजा हुआ है। इनको इस टाइप का एनवलप चाहिए 7.5 बाई 10 इंचेस में। तो फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस तरह का जो एनवलप होता है उसकी डाई कट कैसे बनाते हैं और आप किसी भी साइज का सेम तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है अजहर और इस चैनल का नाम है एजी टेक्निक। तो आइए चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और इस एनवलप की डाई कट बनाना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, इस एनवलप की डाई कट को बनाने के बाद मैं इनको सेंड भी कर दूंगा, यानी कि जो उसकी फाइल होगी पीडीएफ या फिर इलस्ट्रेटर फाइल, मैं इनको सेंड कर दूंगा और ये आराम से एनवलप बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं हूँ दुबई में और मेरा एक और भी चैनल है जिसका नाम है अमेजिंग वीडियोस एसजी। तो आप लोग दुबई की सारी वीडियोस उस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैं उसका लिंक नीचे दे दूंगा, आप वहाँ पर क्लिक करके उस चैनल पर जा करके पूरा दुबई का ब्लॉग देख सकते हैं। और उस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, उस पर भी मैं काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और बनाते हैं इस एनवलप की डाई कट। तो अभी मैं आ चुका हूँ अपने एडोब इलस्ट्रेटर पर और यहाँ पर मैंने उनका जो अटैचमेंट था वो यहाँ पर प्लेस कर लिया है। तो मैं यहाँ से ले लूँगा रेक्टेंगल जिसका शॉर्टकट है एम और यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसे पहले इंचेस में कर लेता हूँ। यहाँ पर आकर यहाँ पर प्रॉपर्टीज में आप आएंगे तो यहाँ से डॉक्यूमेंट सेटअप पर जाकर इसे मैं इंचेस में अभी कर लेता हूँ, बाद में सेंटीमीटर कर दूँगा। और यहाँ पर आइए, क्लिक करिए 7.5 बाई 10, ये हो गया। मैं आर्ट बोर्ड बड़ा कर लेता हूँ, मैंने प्रेस किया शिफ्ट ओ और इस तरह से आर्ट बोर्ड को बड़ा कर लिया है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं अपने लैपटॉप से बना रहा हूँ तो वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि मैं लैपटॉप पे ज़्यादा काम करता नहीं हूँ, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसको मैं कलर यहाँ से दे देता हूँ रेड कलर, लेकिन उससे पहले स्वाचेस में आना होगा। यहाँ से आप स्वाचेस अगर नहीं दिखाई दे रही है तो यहाँ पर आप आ जाइए विंडोज़ में, यहाँ पर आपको स्वाचेस मिल जाएगी और आप इसे यहाँ पर रख लीजिए इस तरह से स्वाचेस और यहाँ से रेड, ये हो गया। अभी एक कॉपी इसी को और करेंगे और यहाँ पर एक कॉपी और करके इस एनवलप को पेस्ट करने के लिए एक ग्लू लैप लगाएंगे और इसे मैं साइज और अब मैं साइज यहाँ से चेंज करूँगा, सेंटीमीटर में कर दूँगा और यहाँ से इसे मैं दे दूँगा 1.5 सेंटीमीटर। और फ्रेंड्स, हमेशा मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसी भी चीज़ की, चाहे वो बॉक्स हो एनवलप हो, उसके साइज पर डिपेंड करती है कि आपको ग्लू लैब वगैरह या फिर लॉक वगैरह कैसा लगाना है, उसी हिसाब से आपको छोटा या बड़ा लगाना है, आप साइज के हिसाब से देख लीजिएगा। और आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि किसी भी साइज़ की डाई हो, चाहे वो बॉक्स हो एनवलप हो, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आपको नहीं बनाना है, आपको थोड़ा अपना दिमाग लगाना है। और साइज आप देखिए, अगर साइज बड़ा है तो ग्लू लैब बड़ा लगेगा, साइज छोटा है तो छोटा लगेगा, उसी हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा ही सेम टू सेम बना दीजिए, तो वैसे में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। मैं यहाँ पर आपको परफेक्ट आइडिया बता देता हूँ, लेकिन जो साइज होता है वो तो आप ही को देखना होगा ना। तो यहाँ पर मैं इंटर प्रेस करूँगा 0 और 1, इस तरह से यहाँ पर भी इंटर 0 माइनस 1, ये हो गया। अब ये वाला जो ग्लू लैब है ये यहाँ से पेस्ट होगा, लेकिन अभी नीचे से भी पेस्ट होना है तो एक और लगाएंगे यहाँ पर ग्लू लैब, इसे भी मैं दे दूँगा 1.5 सेंटीमीटर।
और यहाँ से इसे मैं 1.5 दूंगा और इसे भी यहाँ से 1.5 कर देते हैं, क्योंकि ये वाला कट हमें सिंगल लगाना है, एक कट ऐसे बस हो जाएगा, डबल कट लगाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और इधर से भी इंटर माइनस वन, ये देखिए इस तरह से अब आराम से ये हमारा एनवलप पेस्ट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरह का यहाँ पर बना हुआ है। तो ये आप पर डिपेंड करता है कैसी डिज़ाइन आपको बनानी है, जैसी भी बनानी है आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इन्होंने भेजी है वैसे ही इनको बना करके दिखा देते हैं। यहाँ पर 2x2 का ये ले लेते हैं, एक रेक्टेंगल यहाँ लगाएंगे और एक रेक्टेंगल यहाँ लगाएंगे। अभी एंकर पॉइंट लगाना है, सेलेक्ट कर लीजिए प्लस, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाइए और एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाइए और एक एंकर पॉइंट आपको बिल्कुल सेंटर में लगाना है, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ से जितना भी नीचे रखना है रख सकते हैं इंटरफेस का, जैसे 0 यहाँ पर 5 सेंटी करना है, प्रीव्यू करके देख लीजिए, ये देखिए आ गया ना वैसे ही आ गया। तो इस तरह से आपको जितने यहाँ पर करना है 6 करना है 6 कर लीजिए, ये देखिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर। तो मैं अभी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लगा देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो अभी इन बॉक्सेस का काम ख़त्म हो गया है तो मैं इसको हटा देता हूँ, अभी इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। और ये वाला जो ग्लू लैब है इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे, इंटर 0.2, सॉरी यहाँ पर इसको सिलेक्ट करिए, इंटर 0.2 इस तरह से थोड़ा सा बस नीचे करेंगे, ये देखिए जैसा आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। और यहाँ पर मैंने 2 सेंटी क्यों लगाया है, क्योंकि ये है 1.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जब इसको बंद करेंगे, देखिए यहाँ पर रिफ्लेक्ट करके बंद करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये जब बंद होगा तो इसी के अंदर ही रहेगा, इसीलिए मैंने इसको 1.5 और इसको 2 किया है। ये सब आपको समझने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये पेस्ट हो जाएगा। अभी हमें बनाना है ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट बनाने के लिए आप इसी पार्ट को ले लीजिए, कॉपी कंट्रोल सी कर लीजिए और कंट्रोल वी कर लीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए इसको, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना है। तो आप यहाँ पर ले आइए इसको और ये देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक आया है, तो इसे हम थोड़ा सा नीचे करेंगे, इंटर 0.1 सेंटीमीटर नीचे कर लेंगे, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी लगा लूँगा 2 सेंटीमीटर, तो इसी को आप कॉपी कर लीजिए और ऊपर रख लीजिए यहाँ पर, उसके बाद इसे आप दे दीजिए 2 सेंटीमीटर, ये देखिए इस तरह से 2 सेंटीमीटर ये देखिए आपको दिख रहा होगा। उसके बाद इसको आप लेकर के जाइए और इसे रिफ्लेक्ट करिए, रिफ्लेक्ट करके ये देखिए सेंटर में लगाइए, सेंटर, उसके बाद इसको दोनों तरफ से खींच दीजिए इस तरह से, तो आपको दिखाई देगा कि ये सेम बन चुका है। उसके बाद इसको करिए कंट्रोल जे और सेलेक्ट करिए दोनों को, थोड़ा सा ये और अंदर आएगा, ये देखिए सेलेक्ट करिए और यहाँ से कर दीजिए यूनाइट। उसके बाद आप एक बार इसको चेक कर लीजिए, यहाँ पर लाइए, रिफ्लेक्ट करिए, ये देखिए। तो ये इस तरह से अभी जब बंद होगा तो इस तरह से ये आ जाएगा, ये इसके ऊपर आकर के बंद हो जाएगा। अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ 1.5 सेंटीमीटर, इंटर 0-0.5, ये देखिए इस तरह से। तो ये अभी परफेक्ट हो गया है, ये जब बंद होगा तो इसके ऊपर आकर के बंद हो जाएगा। अभी मैं इसको वापस रिफ्लेक्ट करके लगा देता हूँ वहीं पर जहाँ पर था और इसे कंट्रोल वाई करके अच्छे से मिला लेंगे, ये देखिए इस तरह से हम यहाँ से मिला लेंगे, कंट्रोल वाई करेंगे और इन बॉक्सेस को यहाँ से हटा देंगे। और यहाँ पर जो फोल्डिंग लाइन है इसे हमें हटा लेना है, सेपरेट करना है, यहाँ से ये है
और ये वाली, कंट्रोल एक्स करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे, डबल लाइन से तो एक लाइन हटा लेंगे, डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट, ये भी डिलीट। लेकिन उससे पहले मैं आपको इस इनवेलप को बंद करके दिखा देता हूँ सही से, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि बंद होने के बाद ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, तो बंद ऐसे होगा, ये देखिए, ये रिफ्लेक्ट करेंगे, ये आएगा यहाँ पर, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये आएगा यहाँ पर, ये देखिए, ये मैंने इसीलिए यहाँ पर वन कट लगाया था कि जब बंद होगा तो एकदम परफेक्ट यहाँ पर बंद हो जाएगा, और ये रिफ्लेक्ट होगा और ये आएगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरह से। अभी मैं इसका कलर इस तरह से दे देता हूँ तो आपको सही से समझ में आ जाएगा, और ये वाला इसे मैं दूसरा कलर दे देता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा इस तरह से, और इसे यहाँ से रिफ्लेक्ट करेंगे, ये देखिए, ये हमारा एनवेलप बंद हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सेम टू सेम बन गया है एनवेलप, ये देखिए जैसे यहाँ पर है, ये यहाँ से थोड़ा अंदर है, तो अगर आप अंदर चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, जहाँ पे था सब वहीं पर रख लेता हूँ, ये देखिए। अभी मैं इसे भी थोड़ा थोड़ा अंदर कर देता हूँ, इंटर 0.30, ये देखिए, इसे भी सेलेक्ट इंटर -0.30, अभी मैंने थोड़ा थोड़ा अंदर भी कर दिया है, जैसा मैम ने भेजा था वैसा हमने पूरा इसको बना दिया है। अभी हम फोल्डिंग लाइंस यहाँ से अलग कर लेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एफ, ये देखिए डबल लाइंस है तो डिलीट कर लेंगे एक लाइंस, और इसको करिए सिलेक्ट यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर आप आ जाइए और यहाँ से इसे कलर ग्रीन दे देंगे, और सबको करेंगे सिलेक्ट एक साथ, कंट्रोल जी करेंगे ग्रुप, यहाँ से लगाएंगे क्रॉप मार्क्स, और क्रॉप मार्क्स के ऊपर ही हम डबल क्लिक कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। तो हमारा ये एनवेलप की डाईकट बन करके रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारे एनवेलप की डाईकट बन करके रेडी हो गई है। तो मैं इस डाईकट को मार्टिना जी को भेज दूंगा PDF फाइल, और वो आराम से इससे अपना एनवेलप बना सकती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको कीजिए लाइक और शेयर, और मैंने जो बताया है मेरा एक चैनल और है तो उसको भी जा करके सब्सक्राइब कीजिए। अभी मैं दुबई में हूँ तो उसकी भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो फ्रेंड्स, फिर मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.